राजस्थान विधानसभा जहां पर सवालों और जवाबों का सिलसिला लगातार जारी है। ऋग्वेद का अध्ययन अध्यापन करवाया जा रहा है। निदेशालय संस्कृत शिक्षा के अधीनस्थ विद्यालय महाविद्यालय में वेद के अध्यापन के लिए शिक्षकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। संस्कृत महाविद्यालय सेवा नियम प्रक्रियाधीन है। सेवा नियम जारी होने पर महाविद्यालय के रिक्त पदों को भरा जा सकेगा। जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर में संयुक्ताचार्य आचार्य स्तर पर सभी वेदों ऋग्वेद विद इन ब्रैकेट साकल शाखा, यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद विद इन ब्रैकेट राणायणी शाखा कौमा कौथुवी शाखा ब्रैकेट बंद, अथर्वेद विद इन ब्रैकेट सौन की शाखा ब्रैकेट बंद, पौरोहित्य विषय, वेद विज्ञान, वेद निरुक्त विषय पढ़ाए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय में वेदों के अध्यापन हेतु स्थापित वेद विभाग में शिक्षकों के स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है। पदनाम प्रोफेसर स्वीकृत 1 रिक्त 1, सहायक प्रोफेसर स्वीकृत 2 रिक्त 2, सहायक प्रोफेसर स्वीकृत 3 रिक्त 0। जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के रोस्टर रजिस्टर के अनुमोदन की कार्रवाई वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। रोस्टर रजिस्टर के अनुमोदन उपरांत वेद अध्यापकों के रिक्त पदों को भरा जाना संभव है। 3, संस्कृत शिक्षा विभाग में वेदाध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृत्ति देने का कोई प्रावधान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ये परिशिष्ट 1 में 2017-18 से लेकर 21-22 तक अध्ययनरत छात्रों की सूची थी, संख्या थी, निरंतर घटते जा रहे हैं। और वो निरंतर इसलिए घटते जा रहे हैं क्योंकि जितने भी पद हैं वो भी रिक्त है। आज की स्थिति में संस्कृत कॉलेजेस में मात्र 2 असिस्टेंट प्रोफेसर और संस्कृत विश्वविद्यालय में 3 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद हैं, जिनमें से 1 को मंत्र प्रतिष्ठान के डायरेक्टर का चार्ज भी दिया हुआ है। तो बिना स्टाफ के, बिना एक एकेडमिक अध्ययन कराने वाले, आपने